एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला बिजनौर के ब्लॉक अकू नहटोर में स्थित रायपुर मलियाबाद गांव पहुंची। इस समय इसरत महफूज को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 13,000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। लगभग 900 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 200 राशन कार्ड धारक हैं। जब गांव में सरकारी सुविधाओं का जायजा एबीपीएस न्यूज टीम द्वारा लिया गया तो वर्तमान में गांव में एक भी पेंशन लाभार्थी नहीं है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 50 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 42 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 10 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 25 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि मेरे ग्राम पंचायत में 14वां वित्त में राज्य वित्त से जो धनराशि आई है दोनों सरकारों से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, मैंने उसका सदुपयोग किया है। मेरे द्वारा केंद्र सरकार से मांगे कि मेरे यहाँ कन्या इंटर कॉलेज व स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, बारात घर दिलवाने की अपील की गई है। और हमारे गांव में जो काम किया है प्रधान ने स्वच्छ और ईमानदारी के साथ किया है, और जो हम चाहते हैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कुछ मदद मिले और काम और अच्छी ढंग से किया जाए।